Okay, so we are doing a functional group 3 amines. Last time we did with common nomenclature, we are doing IUPAC name. Astha and Farhan. Astha, I think you did with common nomenclature. Farhan, just now you will just write IUPAC nomenclatures. Common, I'll explain you later on. Okay, now see, amines ka IUPAC name hai, amines. NH2 is called amino group in organic chemistry. Okay. CH3 is methyl and NH2 is amine. So its naam common name common name is methyl amine. IUPAC mein alkane ka E nikal ke amine lagana hai. So ye methane ka derivative hai. So iska IUPAC name ho jayega methane amine. Do carbon hue hai, so it will become ethane amine. For 3 carbon you have to put numbering. So numbering hum yahan se dalenge. राइट से क्योंकि अमीनो ग्रुप राइट की तरफ क्लोजेस्ट है तो 1, 2 and 3 तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 अमाइन. फोर्थ वन नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम राइट और लेफ्ट इट विल बी वन एंड द सेम थिंग तो राइट से करोगे तो भी अमीनो ग्रुप इज ऑन सेकेंड लेफ्ट से करोगे तो भी अमीनो ग्रुप इज ऑन सेकेंड तो फोर्थ वाले का नाम हो जाता है प्रोपेन 2 अमाइन. ओके चलो ना एवरीबडी ट्राई फिफ्थ वन. हाँ पूर्वा करेक्ट श्रेयांश करेक्ट रोनित मोहम्मद करेक्ट हाँ तूबा ऑल्सो करेक्ट कमन आस्था and Farhan both of you will try this. हाँ प्रियांशी करेक्ट Farhan करेक्ट but Farhan you have to put numbering. आस्था numbering गलत है. fifth one we are doing तो numbering यहाँ से right से करोगे तो 1, 2, 3 and 4 now amino group is on the first carbon. okay तो butane 1 amine. हाँ butane 1 amine. Farhan you got it butane 1 amine. ओके हाँ चलो नाउ डू द सिक्स्थ वन या सिक्स्थ वन कम ऑन. हाँ तूबा करेक्ट प्रियांशी करेक्ट मोहम्मद करेक्ट हाँ रोनित हाँ आस्था करेक्ट हाँ Farhan ऑल्सो करेक्ट वेरी गुड. तो ये नंबरिंग यहां से करेंगे लेफ्ट की तरफ से. ओके 1, 2, 3 and 4 सो इट विल बी ब्यूटेन 2 अमाइन. चलो कॉपी डाउन दिस ओनली Farhan यू कॉपी ओनली आईयूपीएसी नेम्स विद द स्ट्रक्चर्स रेस्ट ऑफ यू ऑल आई थिंक यू ऑल हैव रिटन कॉमन नेम ओनली आईयूपीएसी नेम्स यू हैव टू राइट है ना या स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम्स ओनली Farhan आस्था आई थिंक यू हैव डन ऑल है ना कॉमन नेम ऑल्सो यू डिड लास्ट क्लास. ओके चलो नेक्स्ट वन हाँ ना पे अटेंशन नेक्स्ट वन चलो सेवेंथ वाला ट्राई करो एवरीबडी ट्राई सेवेंथ वन या रोनित करेक्ट श्रेयांश करेक्ट पूर्वा वेरी गुड या प्रियांशी वेरी वेरी नाइस नो Farhan, you have to give numbering.
आइसोसेक एन कॉमन नोमेनक्लेचर में आता है. आईयूपीएसी में वी हैव टू डू नंबरिंग्स, यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. या मोहम्मद करेक्ट. फरन ट्राई अगेन. सी द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ थ्री कार्बन. मिथाइल इज ऑन सेकेंड कार्बन एंड अमीनो ग्रुप इज ऑन द फर्स्ट कार्बन. ओके हाँ मोहम्मद करेक्ट. हाँ या आस्था, आस्था मिथाइल पहले लिखना है बस. रेस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट. ओनली टू मिथाइल विल कम फर्स्ट. अल्केन अमाइन लास्ट में आएगा. टू मिथाइल विल कम फर्स्ट. तो इसका नाम हो जाएगा टू मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन. टू मिथाइल पहले लिखना है. ऑन सेकेंड कार्बन देर इज मिथाइल ग्रुप. अगर ये मिथाइल नहीं होता तो इसका नाम प्रोपेन वन अमाइन होता. ओके अगर मिथाइल नहीं होता तो दिस कंपाउंड इज प्रोपेन वन अमाइन. बट ऑन सेकेंड कार्बन देर इज मिथाइल. तो पहले मिथाइल लिख दो. टू मिथाइल प्रोपेन वन अमाइन. चलो एथ वाले का नाम लिखो सब लोग. या मोहम्मद, मोहम्मद तुबा पूर्वा वेरी गुड. योला करेक्ट. प्रियांशी करेक्ट. रोनित करेक्ट. ओके हाँ चलो आस्था ऑल्सो गुड. कम ऑन नाउ फरान इज लेफ्ट. फरान ट्राई दिस अगेन. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ थ्री कार्बन. नंबरिंग कैन बी डन फ्रॉम राइट और लेफ्ट एनी वेज. Now methyl is on second and amino group is also on second carbon. Yeah, very good, very good. But instead of two propane amine, write propane two amine. Huh? Two propane amine is not incorrect, but propane two amine is more appropriate. Yeah, propane two amine. We write this way. Okay. Ha, chalo last wala try karo sab log. Ha, Mohammad, Tuba, Shreyansh, Purva, Priyanshi. आस्था ऑल ऑफ यूल आर करेक्ट. खाली तुबा, तुबा तुमने नंबरिंग गलत दिए. हाँ रोनित करेक्ट. ओके हाँ वन अमाइन वेरी गुड. अभी देखो अगेन लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ थ्री कार्बन. या No, Farhan. फिर से देखो यहाँ पे Farhan, see this. The longest chain is of three carbon. One, two and three. अगर ये दोनों methyl second carbon पे है. Both the methyl are on second carbon. अगर दोनों methyl नहीं होते तो इसका नाम propane one amine होता. And on second carbon there are two methyl. तो इसका नाम हो जाता है 2,2-dimethylpropane-1-amine. 2,2-dimethyl propane 1 amine. There are two methyl group on second carbon. Yeah, there are two methyl group on second carbon. The longest carbon is of 3 carbon chain. Okay. So amino group is on the first carbon. So propane 1 amine parent hai. For second carbon pe 2 methyl hai. Aur isliye 2 methyl pehle likhna hai. 2,2-dimethyl propane 1 amine. चलो इतना कॉपी कर लो. फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप करते हैं. फोर्थ वन विल बी डूइंग कीटोन्स. डन अप टिल हियर.
Farhan, you are done. Okay. Chalo, we'll go for the next one. Fourth functional group is ketone. Ketone is represented as R C O R dash. Ya to we represent R C double bond O R dash. C O likho ya C double bond O likho, it is one and the same. Okay. Now, molecular formula is CnH2NO for ketones. N should be at least equal to 3 or greater than 3. तीन कार्बन मिनिमम होते हैं कीटोन में, उससे कम नहीं होना हो सकता है, बिकॉज दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लिखना है और बीच में सी डबल बॉन्ड भी चाहिए, तो मिनिमम देयर शुड बी 3 कार्बन फॉर कीटोन. और एमसीक्यूज में पूछते हैं फॉर कीटोन द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इज, तो एटलीस्ट 3 कार्बन. अभी तक हम लोग ने जो कंपाउंड किए थे उसमें एक कार्बन भी चल जाएगा, पर कीटोन में कम से कम 3 कार्बन चाहिए. नसी फर्स्ट विल डू कॉमन नेम्स. अभी देखो यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है और बीच में ये सीओ को कीटोन बुलाते हैं, तो दोनों तरफ मिथाइल है और ये कीटोन का नाम हो जाता है डाई मिथाइल कीटोन. डाई मिथाइल कीटोन एज अ स्पेशल नेम एसीटोन. तो डाई मिथाइल कीटोन और एसीटोन. नाउ गर्ल्स मस्ट बी नोइंग व्हाट इज एसीटोन. ओके, या नेल पॉलिश रिमूवर, दैट इज नथिंग बट एसीटोन. So acetone is chemically dimethyl ketone. Okay. Now see next one. Is taraf ek carbon hai, that is methyl, and here there are two carbon, that is ethyl. Now alphabetically E comes first, aur isliye iska naam ho jata hai ethyl methyl ketone. Okay. Now see the third one. Abhi ye tum log try karo. Yeah, Farhan, very good. Shreyansh, incorrect hai. Why you put N? Priyanshi, correct. Haronit, correct. Priyanshi, correct. Shreyansh, N nahi chahiye bas. Aastha, correct. तुबा कितने कार्बन है? मोहम्मद इनकरेक्ट, तुबा इनकरेक्ट. देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो ये कौन सा ग्रुप है? दो कार्बन इज इथाइल योर ऑल्सो एंड इथाइल योर ऑल्सो, और सीओ को कीटोन बुलाते हैं, सो बोथ द साइड देयर इज इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई इथाइल कीटोन. मोहम्मद तुबा समझा? सीओ इज कीटोन है ना, तो सीओ को छोड़ दो, इधर कितने कार्बन है? दो. इधर कितने कार्बन है? दो. या दोनों तरफ दो दो कार्बन है, तो दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है. देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, ये इस तरफ एक ही कार्बन है मिथाइल और इधर दो कार्बन है इथाइल, और सीओ इज कीटोन, सो इथाइल मिथाइल कीटोन. अब यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, सो दोनों तरफ इथाइल है, तो डाई इथाइल कीटोन. मोहम्मद समझा ना? चलो अभी नेक्स्ट वाला ट्राई करो. हाँ रोनित थोड़ा थोड़ा इनकरेक्ट है. मोहम्मद बराबर से काउंट करो. हाँ फरान भी करेक्ट, पर थोड़ा प्रीफिक्स लगाना है, प्रोपाइल में प्रीफिक्स लगाना है. कौन सा प्रोपाइल है बताना है, सब लोग ने मिस्टेक किया है वही. विच प्रोपाइल इट इज, यू कैन नॉट जस्ट राइट ओनली प्रोपाइल. या हाँ करेक्ट, हाँ अभी करेक्ट है. फरान करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट, रोनित ऑर्डर गलत है, तुबा करेक्ट, आस्था प्रीफिक्स नहीं लगाया है.
ये मिथाइल है और ये एन प्रोपाइल है, तो अल्फाबेटिकली एम पहले आएगा, सो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। और याद रखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम एन सेक और टर्ट नहीं कंसिडर करते, एन सेक टर्ट आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आइसोनियो कंसिडर करते बिकॉज इट बिकम्स वन वर्ड। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। आंसर समझा? या सर, एवरी टाइम बाय नेमिंग वी टेक द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इनटू कंसीडरेशन। या अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सी हियर आल्सो ई एन एम, सो वी राइट इथाइल फर्स्ट एंड देन मिथाइल, हियर मिथाइल एंड प्रोपाइल, सो वी हैव टू कंसीडर मिथाइल प्रोपाइल, तो एम फर्स्ट देन पी, बट एन सेक टर्ट आर नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इफ इट इज आइसो एंड नियो देन वी कंसीडर। अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल में वही आएगा, अभी ये वाला है, ट्राई दिस फिफ्थ वन देन यू विल कम टू नो। चेक द अल्काइल ग्रुप ऑन बोथ द साइड, ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है और ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, और फिर अल्फाबेटिकली लिखना है। या फरहान वेरी गुड, पूर्वा करेक्ट, प्रियांशी अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो, श्रेयांश भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो, तुबा करेक्ट, रोनित फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो, हाँ प्रियांशी करेक्ट। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है तुम लोग को, मैंने बोला कि एन सेक टर्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं कंसिडर करना है, तो हम ये प्रोपाइल को सेक प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, आइसो प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। तो अगर हम मिथाइल और प्रोपाइल में देखेंगे तो मिथाइल पहले आएगा, एज इट इज सेक कंसिडर नहीं करना है, पर आइसो प्रोपाइल इज वन वर्ड, तो आइसो आई और एम में पहले कौन आएगा, तो आई पहले आएगा फिर एम आएगा, तो अगर आइसो प्रोपाइल लिखना चाहते हो तो आइसो प्रोपाइल विल कम फर्स्ट एंड देन मिथाइल, पर अगर सेक प्रोपाइल लिखना चाहते हो तो मिथाइल विल कम फर्स्ट एंड देन सेक प्रोपाइल। इज इट क्लियर? तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इफ यू राइट सेक देन राइट मिथाइल फर्स्ट, इफ यू राइट आइसो देन राइट मिथाइल लेटर। ओके, सो देयर आर टू वेज। अभी इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सिखाता हूं। सर, आई डिडंट अंडरस्टैंड हाउ आइसो प्रोपाइल मिथाइल। ओके ओके, सी isopropyl, I told you always that iso may don't put hyphen. So isopropyl is one word. So alphabetically I and M, which will come first? I will come first or M will come first? Sir, not that way, sir. How isopropyl? But okay, isopropyl. How? See here, there are three carbon. Okay, propyl. Three carbon means propyl. Now I told you propyl may iso and sec both are same. Here, this carbon is secondary. Carbon attached to two other carbon is secondary. So we write sec propyl. But for propyl, I told you iso and sec both are same. Is it clear? Yes, for yes, propyl, sir. There is an exception. No, I told you again and again. Yes. For only propyl, sec and iso are same. And therefore, we have two possibilities out here. If you write sec, then methyl will come first. If you write iso, then methyl will come later. Okay? Got it, na? Yes, sir. Yes. Okay. Now see, IUPAC mein ketones are called alkanone. You remove E and put O-N-E. Alkane ka E is replaced by O-N-E. One. Alkane one or alkanone. Now there are three carbon. So this will become propanone. If there are four carbon, it will become butanone. Now see here both the cases there are five carbon. There are five carbon here also and five carbon here also. So in that case, now we have to write numbering. Now, when you give numbering to this, ketone will be third carbon either ways. Right se shuru karoge, to bhi third carbon pe. Left se shuru karoge, to bhi third carbon pe. To yahan pe iska naam ho jayega pentane-3-one. Theek hai? Chalo, abhi fourth wale ka naam tum log batao. Third one is pentane-3-one. Now, try fourth one. Haan, Asta, very good. हाँ फरान ई नहीं आएगा, अल्केन का ई निकाल देना है। रोनित करेक्ट, पूर्वा करेक्ट, मम्मत करेक्ट, प्रियांशी करेक्ट। ओके,
You have to remove E and then put on. Yeah, Tuba, correct. Okay, so pentane, 2-ON. Okay, E you have to remove and then put 2-ON. Last one, try fifth one. Ha, very good, Priyanshi. Ha, Ronit, numbering galat hai, baki sab correct hai. Yeah, correct. Ha, Ronit, correct now. Ha, Farhan. मिथाइल को नंबरिंग दो. आस्था करेक्ट. एंड पेरेंट चेन इज ऑफ 4 कार्बन. फरहान वापस से ट्राई करो. कमन पूर्वा. हाँ श्रेयंश, नंबरिंग आगे आएगी, पीछे क्यों लिखे हो? जो मिथाइल है उसकी नंबरिंग पहले लिखो. और ब्यूटेन में से ई निकाल देना है. आस्था ऑल्सो ई निकाल देना है. आई टोल्ड ऑल. या मोहम्मद, करेक्ट. पूर्वा, पूर्वा इज नॉट आंसर्ड. वाई? हाँ तुबा, नंबरिंग वापस चेक करो. हाँ प्रियांशी, व्हाट डाउट यू हैव सर? हाँ बोलो सर. यू हैड गिवन अप दैट कार्बन वी कैन राइट इन टू वेज, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्टाइल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और द अदर वे. सो या विल बी एक्सेप्टेड. या विल बी एक्सेप्टेड. या सी डबल बॉन्ड ओ और यू राइट सीओ. एनी वन ऑफ दिस इज करेक्ट. यू कैन राइट एनी वन वे. Because we have structural formula and condensed formula. मैंने आगे बताया था, याद है? तो हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं. Structural formula में लिखना है तो you have to show bonding. Condensed formula में लिखोगे तो bonding नहीं दिखाना है. Okay? Okay. We can write both. अभी इसके अलावा bond line भी आएगा. I'll show you bond line. तो उसमें तो तुम और कंफ्यूज हो जाओगे. bond line में तो खाली lines draw करनी है. उसमें ना कुछ कार्बन वार्बन कुछ नहीं दिखाना है. Okay? आगे हम लोग बॉन्ड लाइन करेंगे तो देखना, तुमको समझ ही नहीं आएगा ये क्या लिखा है. हाँ ओके ठीक है. चलो अभी यहां पे ध्यान दो. फरहान एंड पूर्वा, पूर्वा इज ऑल्सो नॉट आंसर्ड. ओके देखो, थर्ड कार्बन पे देर इज मिथाइल एंड पेरेंट अल्केन इज अ 4 कार्बन और कीटोन सेकेंड कार्बन पे है. तो इसका नाम हो जाता है 4 मिथाइल ब्यूटेन 2-ON. चलो यहां तक जल्दी कॉपी करो, फिर एक और कंपाउंड करना है इसमें, फिफ्थ और एक सिक्स्थ वाला भी है. ओके 3 methyl butane 2-ON. Methyl is on third carbon and ketone is on second carbon. सबका हुआ यहां तक? Okay, I'll change the slide now. देखो एक last है, ये वाला बताओ. What will be the name of this compound? Common name and IUPC name. First you will tell me common name for this. देखो यहाँ पे एक ही कार्बन है, यहाँ पे चार है. हाँ प्रियांशी, और IUPC name is correct. But first give me common name.
See, here there is only one carbon, here there are four carbon. And this is ketone in between. ये कीटोन है, हाँ, मिथाइल नहीं, फरन चार कार्बन है, ओके आप, हाँ पर प्रियांशी कौन सा ब्यूटाइल है वो लिखना है, तुबा गड़बड़ है, दोनों कॉमन आईबीसी मिक्स कर दिया है. हाँ पूर्वा करेक्ट पर पूर्वा नहीं, ब्यूटाइल कौन सा है वो बताओ, ब्यूटाइल इनकरेक्ट है. और डाइमिथाइल क्यू, नहीं 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 प्रियांशी, हाँ रोनित वेरी गुड, रोनित इज करेक्ट. हाँ अभी बराबर है, हाँ और रोनित अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्यूटाइल पहले आएगा. प्रियांशी वेरी गुड. सी देखो यहाँ पे ये मिथाइल है और ये टर्ट ब्यूटाइल है, कार्बन अटैच टू थ्री अदर कार्बन, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना. सो दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, सो टर्ट ब्यूटाइल पहले आएगा क्योंकि आई टोल्ड यू एन सेक टर्ट कंसिडर नहीं करना है आईयूपीएसी में. सो टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन और आईयूपीएसी में द लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ फोर कार्बन, तो क्या नाम हो जाएगा. थ्री कोमा थ्री डायमिथाइल ब्यूटेन टू ओन, ओके या ब्यूटेन टू ओन. प्रियांशी चार कार्बन की चेन है. विल स्टॉप हियर टुडे एंड नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू. नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू टेस्ट ऑन टेस्ट अप टिल कीटोन ऑल फोर फंक्शनल ग्रुप्स, ओके. हाँ नेक्स्ट क्लास देयर विल बी टेस्ट ऑन ऑल फोर फंक्शनल ग्रुप्स.